चीज़ अगर आप अपने सॉन्ग को एडवांस लेवल की मिक्सिंग करना चाहते हो, लाइक उसमें बीट डालना चाहते हो, उसमें नए म्यूजिक डालना चाहते हो, हर एक लेयर पे उसे मिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो गाइस जब हम बात करते हैं कि आप सॉन्ग को कैसे एडवांस लेवल पे मिक्सिंग कर सकते हो, मतलब सॉन्ग में बहुत चीज़ आप एडिट कर सकते हो, लाइक उसमें आप बीट डाल सकते हो, नए म्यूजिक डाल सकते हो, तो गाइस आइए अब हम देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर खोलना है और इसके लिए आपको दो ऐप लगेगी, एक वो जो हमने पहले से कर रखा है ऑडियो MP3 एडिटर, और जो दूसरा ऐप हमें करना है वो करना है हमें पावर डायरेक्टर। तो यहाँ पर पावर डायरेक्टर आपके सामने आ चुका है, तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ये जनरल वर्जन है, मेरे पास पहले से ये ऐप इंस्टॉल है, मेरे पास इसका पेड वर्जन है, तो मैं पेड वर्जन को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा पावर डायरेक्टर ओपन हो गया है। तो गाइस ऐसा कोई बात नहीं है कि पेड वर्जन हो या फिर नॉर्मल वर्जन हो, बस सिंपल दोनों में ये अंतर है कि नॉर्मल वर्जन में आपके वाटर मार्क आते हैं और पेड वर्जन में वो नहीं आता है। तो गाइस अगर आपके पास नॉर्मल वर्जन भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑडियो एडिटिंग करना है। अब गाइस बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑडियो एडिटिंग के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग का ऐप क्यों किया, क्योंकि गाइज मैंने बहुत सारे तरीके अपना के देखे फ़ोन में एडिटिंग के, तो वह बहुत अच्छा आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन ये जो तरीका जो मैंने खुद से लाइक कर करके मैंने जो सीखा है, तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये तरीका थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा सॉन्ग का वो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत प्रोफेशनल तरीके का मिलेगा। तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना पावर डायरेक्टर ओपन करना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में आना है। अब उस प्रोजेक्ट का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर इसका नेम रख दिया एस्ट्रोलियन वर्ल्ड। तो अब इसे ओके करना है, तो आपको सिंपली आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। तो गाइज आपको सिंपली ऊपर में जो म्यूजिक का जो ऑप्शन बना हुआ है इस पर आपको आके क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके जो सॉन्ग के जो फोल्डर है उसे ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पर ये फोल्डर ओपन कर दिया। अब यहाँ से आपको जो जो सॉन्ग चाहिए, आप जो सॉन्ग को आपको एडिट करना है, तो वो सॉन्ग पे हम आ जाते हैं। तो गाइज मान लो मेरे को ये सॉन्ग चाहिए, तो मैंने ये सॉन्ग को यहाँ इस पर क्लिक करा, फिर नीचे यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इस सॉन्ग को नीचे टाइमलाइन में ऐड कर दिया। सो गाइज आपका सॉन्ग नीचे टाइमलाइन में आ गया। तो गाइज आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इस चीज़ करके आप एक अच्छा सॉन्ग को मिक्स कर सकते हो। तो गाइज जब नीचे ये सॉन्ग नीचे टाइमलाइन में आ गया, उसके बाद आपको जो करना है, आपको लाइक जितना सॉन्ग चाहिए पहले आप उतना रख लो। लाइक मेरे को ये सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं इस पर यहाँ क्लिक करूँगा और साइड में जो ट्रिम का ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये सॉन्ग बीच से ट्रिम हो जाएगा। अब सिंपली मेरे को जितना पार्ट नहीं चाहिए मैं उस पर क्लिक करूँगा, ऊपर में यहाँ पर साइड में डिलीट का ऑप्शन है, मैं ऐसे इसे डिलीट कर दूँगा, और फिर मेरे को जितना सॉन्ग चाहिए, जितना पोर्सन चाहिए, मैं उसे क्लिक करके इसे थोड़ा ड्रैग करके आगे ले आऊँगा, तो अब सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मेरे को लाइक सॉन्ग जितना चाहिए मैं उतना सुन लूँगा, लाइक मेरे को सॉन्ग चाहिए 35 सेकंड तक का, तो मैं फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ से इसे ट्रिम करूँगा, और फिर से जो मेरे को जो पार्ट नहीं चाहिए उस पर मैं क्लिक करके यहाँ से उसे डिलीट कर दूँगा। तो क्या सिंपली हमको जितना पार्ट चाहिए था उतना मिल गया। अब अगर हमें इसमें कोई बीट डालना है, कॉज डांसरों के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ होता है वो होता है वो सॉन्ग को अच्छे से कट ट्रिम और मर्ज कर पाते हैं, लेकिन वो बीट नहीं डाल पाते जैसा बीट उन्हें चाहिए। तो गाइस मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि आप सिंपली कैसे बीट डाल सकते हो फ़ोन में। तो आपको सिंपली लाइक जहाँ आपको बीट डालना है, लाइक मेरे को यहाँ पर अगर ये 5 सेकंड के बाद अगर मेरे को एक ग्लास फूटने का आवाज़ चाहिए, मतलब मेरे को ग्लास ब्रेकिंग का साउंड इफेक्ट चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसे मर्ज करूँगा, थोड़ा स्लाइड कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे पूरे टाइमलाइन को थोड़ा ड्रैग करूँगा और मैं यहाँ ऑप्शन में आऊँगा, और यहाँ पर मैंने पहले से वैसा इफेक्ट साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी को भी जिस तरीके का साउंड इफेक्ट चाहिए आप वो डाउनलोड कर लो। आप सिंपली यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो, आपको बस जैसा इफेक्ट चाहिए उसके बाद में आप सिंपली लिख देना साउंड इफेक्ट। लाइक मेरे को अगर गनशॉट का इफेक्ट चाहिए, तो मैं यूट्यूब पे जाकर लिखूंगा गनशॉट साउंड इफेक्ट। लाइक आपको जो चीज़ चाहिए उसके लास्ट में बस सिंपली आपको लिखना है साउंड इफेक्ट, और आपके सामने वीडियो जा जाएगी, आप उसे देख के उस सॉन्ग का उस वीडियो का MP3 आप वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पर बहुत सारे कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पर लाइक ग्लास ब्रेकिंग का मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे, यहाँ पर लाइक ग्लास ब्रेकिंग का, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, तो ये यहाँ आ गया ग्लास ब्रेक का साउंड इफेक्ट। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ से उठाऊँगा और इसे आगे ड्रैग करके इसके बाद ले आऊँगा। अब मेरे को जितना पोर्शन चाहिए इसका उतना मैं रखूँगा, फिर क्लिक करूँगा, यहाँ ट्रिम करूँगा, जितना नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर दूँगा।
तो गाइस जो बाकी का ऑप्शन है, जो बाकी के जो सॉन्ग के वर्स है, उसे मैं अब सिलेक्ट करूंगा, उसे ड्रैग करके मैं आगे ले आऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि इन दोनों मतलब इन सॉन्ग के बीच में एक ग्लास का ब्रेकिंग इफेक्ट मतलब एक छोटा सा बीट मैंने ऐड कर दिया है। तो गाइस अब इसे हम सुन तो गाइस यहाँ पर आपने सुना कि वो ग्लास इफेक्ट इसके बीच में ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हो बीच में सिंपली। लाइक मेरे को अगर इसके बाद चाहिए गन का साउंड इफेक्ट, तो मैं सिंपली यार ट्रिम इसे करूँगा, इसे थोड़ा सा ड्रैग करूँगा और मैं फिर इधर आऊँगा और मैं डाउनलोड पे जाऊँगा। यहाँ पर मैंने पहले से गन का साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उस पर बस आऊँगा यहाँ नीचे और उसे मैं नीचे टाइमलाइन में ऐड कर लूँगा। लाइक मेरे को अगर एक बार चाहिए तो मैं उसे बस एक बार यहाँ से पहले सुन लूँगा, तो मैं मेरे को बस गन लोड का साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैं इसे यार ट्रिम करूँगा। जितना पार्ट मेरे को नहीं चाहिए मैं उस पर क्लिक करूँगा और उसे डिलीट कर दूँगा। और फिर इधर से भी मैं वही काम करूँगा, मैं फिर से इसे ट्रिम करूँगा, जितना पार्ट मेरे को नहीं चाहिए उस पर मैं क्लिक करूँगा और उसे डिलीट कर दूँगा। और फिर ये गन का जो साउंड इफेक्ट है मैं इसे आगे ड्रैग करके लाऊँगा और इसके बाद मैं इसे ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं जो बाकी का सॉन्ग है इसे फिर से ड्रैग करके मैं आगे ले आऊंगा। तो आप सुन सकते हैं कि इसके बीच में ये साउंड इफेक्ट ऐड हो गया है। आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। तो गाइस आपने देखा आप कितने सिंपल तरीके से किसी भी सॉन्ग के बीच में बीट डाल सकते हो, कोई भी साउंड इफेक्ट डाल सकते हो। तो गाइस अगर हम बात करें कि आप सॉन्ग के ऊपर उसके लेयर में कैसे म्यूजिक डाल सकते हो, तो आपको सिंपली ये काम करना है। आपको पहले ये सोचना है कि आपका बेस सॉन्ग कौन रहेगा, फिर उसके ऊपर कौन सी म्यूजिक रहेगी, फिर आपको उस बीट को डाउनलोड करना, उस सॉन्ग इफेक्ट को डाउनलोड करना। आपको सिंपली यहाँ पर आना है, यहाँ से ऐड करना है, यहाँ पर फिर वो फोल्डर में जाना है। और लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किसी सॉन्ग के ऊपर कैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बीट डाल सकता हूँ। तो मैंने एक पहले से डाउनलोड कर रखा है, उसे मैं लेता हूँ या ऐड कर लेता हूँ और सिंपली मैं इसे मेरे को लाइक यहाँ से चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसे ट्रिम करूँगा और बाकी का जो पोर्शन है उसे यहाँ क्लिक करके उसे डिलीट कर दूँगा। फिर मेरे को लाइक इतना चाहिए तो फिर मैं क्लिक करूँगा इस पर, इसे ट्रिम करूँगा, बाकी का जो पोर्शन है उस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दूँगा। तो गाइस आप इसे सुन सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर आप हमारा बेस सॉन्ग सुन सकते हो पहले। तो गाइस ये हमारा बेस सॉन्ग है, अब इसके ऊपर हमें वो म्यूजिक डालना है। तो सिंपली क्या करूँगा मैं, नीचे से वो म्यूजिक को मैं पकड़ूंगा और उसे ड्रैग करके इसके नीचे मैं ले आके यहाँ रख दूंगा। बस सिंपली उसे मैं नीचे आके पुट कर दूंगा उसे ड्रैग करके। तो अब आप इसे प्ले करके देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, अभी इसे हम सॉन्ग को मतलब कि इसके मिक्सिंग जो सॉन्ग के वॉल्यूम है उसे बस मिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और ऊपर में जो एक यहाँ पर टिक का ऑप्शन है उस पर आना है और यहाँ पर वॉल्यूम पे जाना है और जो हमारा बेस सॉन्ग है उसे थोड़ा सा कम करेंगे और जो हमारा जो अब फिर नीचे वाले सॉन्ग पे आएगा जो हमारा म्यूजिक है, फिर मैं उस पर यहाँ क्लिक करूँगा एडिट के ऑप्शन पे और यहाँ वॉल्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करके उसे मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो इस वजह से इससे ये होगा कि जो हमारा बेस सॉन्ग है वो थोड़ा कम आएगा और जो हमारा म्यूजिक है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो आप इसे आप सुन सकते हो। तो गाइस आपने देखा कितनी सिंपली आप किसी भी सॉन्ग के बीच में बीट डाल सकते हो, उसके ऊपर म्यूजिक डाल सकते हो। अब गाइस आपको ये काम करना है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, आपको ये देखना है कि आपको कैसा सॉन्ग चाहिए, आपको कहाँ बीट चाहिए, कहाँ उसके ऊपर म्यूजिक चाहिए, कहाँ हमें कौन सा सॉन्ग चाहिए। लाइक आप इसमें दो सॉन्ग को ऐड भी कर सकते हो, आप सिंपली बस इस पर यहाँ क्लिक करना है, आपको दूसरा सॉन्ग लेना है और बस उस सॉन्ग को इसके बाद यहाँ ऐड कर देना, वो सॉन्ग अपने आप इसमें ऐड हो जाएगा। चांद बोला।
तो क्या जी, आप इसी तरीके से इसमें दो सॉन्ग को मर्ज कर सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो, उसमें बीट डाल सकते हो, उसके ऊपर म्यूजिक डाल सकते हो। अब गाइस आप अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाओ, थोड़ा अपना दिमाग को यूज करो और आप जैसा सॉन्ग चाहते हो आप वैसा इसमें एडिट कर सकते हो। तो गाइस आप जब पूरे सॉन्ग को एडिट कर लोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऊपर जो ऑप्शन बन रहे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोड्यूस वीडियो पर जाना है और यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी और SD कार्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फुल SD पे क्लिक करके इसे प्रोड्यूस कर देना है। सो गाइस जब आप यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि हमने जो प्रोड्यूस करा वो तो एक ही वीडियो है लेकिन हमें तो ऑडियो चाहिए, तो आपको सिंपली ये करना है कि हमने जो पहले जो ऐप इंस्टॉल करा था, जो हमने सिंपल ऐप इंस्टॉल करा था ऑडियो MP3 एडिटर, इसे हमें ओपन करना है और फिर इसमें एक ऑप्शन आता है वीडियो टू ऑडियो का, हमें उसमें जाना है और फिर यहाँ पर जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है पावर डायरेक्टर, इस पर क्लिक करना है और जो हमारा सॉन्ग है उसे यहाँ सेलेक्ट करना है और सिंपली वीडियो टू ऑडियो यहाँ पर हमें ओके कर देना है और यहाँ पर हमें इस फाइल को सेलेक्ट करके MP3 में करना है कन्वर्ट और देन इसे ओके कर देना है। सो गाइज यहाँ पर हमारा वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया। तो गाइज आप देख सकते हो कि पहले मैंने वीडियो बनाया फिर उसे ऑडियो में कन्वर्ट करा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर होम पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको माई क्रिएशन में जाना है और फिर यहाँ पर आपको अपने जो ऑप्शन आएगा यहाँ कन्वर्ट ऑडियो और उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वीडियो टू ऑडियो, इससे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका वो सॉन्ग जो आपने मिक्स करा, आपने पहले उसका वीडियो बनाया फिर आपको आपने उसका ऑडियो करा, वो यहाँ पर आ गया है। तो गाइज आप लोग सोच रहे हो कि ये बहुत लंबा जर्नी था, बहुत लंबा प्रोसेस था कि पहले सॉन्ग को पहले एडिट करो, फिर उसे वीडियो बनाओ, फिर उसके ऑडियो में कन्वर्ट करो, पर गाइज ये ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि इसी से आपको फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। गाइज बिलीव मी, ये सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। मैं पिछले 6 सालों से ऑडियो एडिटिंग और प्रोड्यूस कर रहा अपने ग्रुप के लिए, खुद के लिए, इवेंटों के लिए, तो गाइज तब जाके मेरे को ये आइडिया है कि मैं ऐसे करके ये सॉन्ग को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसे एडिट कर सकता हूँ। तो गाइज आपको सिंपली ये करना है कि आपको ये ऐप डाउनलोड करने है, इंस्टॉल करने है और फिर उसके बाद आपको बेसिक्स एडिटिंग करनी है, मर्ज करना है, ज्वाइन करना सीखना है, बीट डालना सीखना है, फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो ये बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एक प्रोफेशनल रिजल्ट देगा और आपको एक डांसिंग के लिए आपका बहुत अच्छा सॉन्ग बन जाएगा। और गाइज अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है इस एप्लीकेशन को यूज करने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं 24/7 यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूँ तो मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स दूंगा और मैं आपको उसका क्यूरी बताऊंगा कि आप कैसे उसे उस अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसे फेस कर सकते हो, उसे हटा सकते हो और सॉन्ग को अच्छे से प्रोड्यूस और एडिट कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, आपके डांस में किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो गाइज कीप डांसिंग, कीप स्ट्रोकिंग। मैंने थी सजाई कई हसरतें, होठों से बयां जो नहीं कर सके, दोनों में हुए ऐसे 100 फासले।